वेलकम बैक टू माई चैनल लव यू पीपल, दिस इज अंकिता प्रसाद। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम डूइंग वेल। आई एम एट माई होम एंड मैं भिलाई आई हुई हूँ और यहाँ पर मैं बोर हो रही थी तो अचानक से आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग। सो येस, आपको पता है कि ये मेरे बिल्कुल नेचुरली स्ट्रेट और सिल्की बाल हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग कराई हुई है क्या, तो मैं आपको बता दूं वंस एंड फॉर ऑल, नहीं, मैंने कभी भी अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया एक्सेप्ट फॉर दिस। ये मैंने लास्ट ईयर डाई करवाए हैं, वो भी नीचे नीचे, एंड उसके अलावा मैंने कभी भी कोई भी हेयर स्पा तक नहीं करवाया अपने बालों में। मुझे पता नहीं, मतलब अच्छे हैं यार ऐसे नेचुरली, तो कभी कुछ कराने का मन ही नहीं किया। बट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग राइट नाउ, और स्मूदनिंग कराने का स्ट्रेटनिंग कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हैं मेरे बाल वैसे ही। बट आज मैं जा रही हूँ पार्लर, और जो कि मेरे घर के पास में ही है, एक लोकल पार्लर है, उनका सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो आज मैं वहाँ जाने वाली हूँ, और उनके वहाँ पे मैं गई थी लास्ट अपने भैया भाभी के रिसेप्शन के टाइम पे, फेशियल क्लीनअप और वैक्स वगैरह करवाने के लिए मैं और भाभी गए हुए थे, तो उनकी सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड शी हैज़ कॉल्ड मी अप फॉर हेयर स्पा। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हेयर स्पा करवाना है क्या, तो मैंने बोला मैंने कभी कराया तो नहीं है बट आई कैन ट्राई इट, क्योंकि बहुत झड़ रहे हैं यार बाल मेरे, साल भर बाल नहीं झड़ते, लेकिन ये जो ये रेनी सीजन का टाइम होता है ना, ये जो ह्यूमिड वेदर होता है उसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। सो आई थॉट कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, और हेयर स्पा जो होता है काफ़ी अच्छा होता है आपके बालों के लिए, सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ शॉट। सो लेट्स सी आज कैसा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ हो। आई हूँ टच एंड ग्लो ब्यूटी पार्लर में, और आज मैं लेने वाली हूँ हेयर स्पा फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, बिकॉज मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि मैंने कभी भी अपने बालों में कुछ भी नहीं कराया। सो देखते हैं आज कैसा रहेगा, और मैं आपको इस क्लिप में पूरा दिखाऊंगी कि क्या इनके प्रोसीजर्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो खुद यहाँ के ओनर बताएंगे। प्लीज आइए बताइए। हाय दीदी, कैसे हो? बढ़िया। ये हमारे बाल पे पहले भी आ चुके हैं, पहले भी क्लीनअप वगैरह किया था। मैं पिछले बार आई थी एंड मुझे इनका सर्विस काफी अच्छा लगा था, सो दैट इज व्हाई आई एम हियर अगेन। सो ये बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं हेयर स्पा के। हाँ, अभी इनको ये इशू हो रहा है कि वेदर चेंज की वजह से थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है, जिसके लिए हम लॉरियल का बेसिक स्पा लेंगे जिसके अंदर हम एम्फ्यूलेट करेंगे, जिससे इनका ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, जो हेयर फॉल का इशू है वो काफी हद तक इसमें कवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम 100% नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए क्लाइंट टू क्लाइंट, पर्सन टू पर्सन रिजल्ट थोड़ा चेंज हो सकता है, बट हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। सो देखते हैं। जितना समय लगे समय देकर, हमारा अगर लंच टाइम है हम लंच स्किप कर देते हैं, प्लस मेरे साथ जो मंजू है, आप इसको भी लीजिए जरूर कैमरा में, हाय बोल दो। ये मेरे साथ मिलके बहुत अच्छे से काम करती है, हेल्पर नहीं है, लाइक माय लिटिल सिस्टर, हम लोग मिलकर के बहुत अच्छे से काम करते हैं। लंच स्किप हो जाए नो प्रॉब्लम, मैं उस समय अगर बैक टू बैक अपॉइंटमेंट से मैं कैसी दिख रही हूँ उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम बेस्ट होना चाहिए। बस काम बोलता है, मेरा काम बेस्ट होना चाहिए। देखो क्या कर रहे हैं अभी बाल में बता दो। एप्लीकेशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम? मसाज देंगे। मसाज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मसाज देती हैं। पिछले बार मुझे फेस मसाज मिला था, मैं तो भाई ऐसा आराम से, बस मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, बट आज फिर से मुझे मौका मिला है कि मैं ये एक्सपीरियंस करूँ और मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको भी अगर कराना है, अगर आप भिलाई में हैं तो आप आएंगे, कहाँ पे आएंगे? आप नेहरू नगर गुरुद्वारा, जो कि प्राइम लोकेशन है यहाँ का, वहाँ पर आ जाइए, हमको कॉल करिए। नेहरू नगर गुरुद्वारा से आप सीधे आएंगे, उसी लाइन में दर्शन का बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, आपको इजीली दिख जाएगा। बिल्कुल, और मैं ये नंबर आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको करवाना है तो आप जरूर विजिट कीजिए। ये देखो, ये मेरे को इतना बढ़िया सा मसाज दे रही है मंजू, मंजू नाम है ना? यस।
बहुत ही रिलैक्सिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जितना भी स्ट्रेस है ना वो पूरा निकलते जा रहा है। और इसके हाथों में तो जादू है, पिछले बार भी फेस मसाज किया तो आह मैं तो कहाँ पहुँच गई थी, बिल्कुल एकदम सो जाऊँ ऐसा टाइप का लगता है। बस बहुत इनको प्रेशर पॉइंट्स एक्चुअली पता होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि जब तक आपका ये स्पा लगा के रखा है, स्पा के लिए लगा के रखा है, तो उस समय आपको ये मसाज मिल जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको जो पसंद होगा आप उसमें से रख लेना। ओके। और बाकी आप अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? स्टीम की देखो। फाइनली अपना मसाज हो चुका है, स्टीम हो चुका है, बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं हेयर वॉश के लिए। चलिए। ओके, टाइम फॉर हेयर वॉश। सो हम लगाने वाले हैं ये, जो कि है पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री एंड इट्स गुड फॉर हेयर हेल्थ। फाइनली डन विद द हेयर वॉश एंड अभी सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट आ रही है ना, बिल्कुल एकदम बाल तक भाई पहुंच के दे रहे। बताओ भाई, आप हो प्रिंसेस तो प्रिंसेस वाली फील तो ऑब्वियस है। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा बोर नहीं लग रहा था एंड इतना रिलैक्सिंग था और इतने अच्छे से ट्रीट किया दोनों ने। एंड मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ आइए और अपना पैम्परिंग सेशन बिल्कुल बुक करिए और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉन्टैक्ट करके आइए। क्योंकि इनके पास ना रहता नहीं है स्लॉट, फिर हम लोग को ना एकदम वेट करना पड़ता है। मुझे देखो कितने दिनों बाद यहाँ पे बुलाया है। टाइम लेके आने से क्या होता है ना, आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है, हमारे लिए टाइम मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है और हम रिलैक्स होके आपको भी रिलैक्स फील करवा पाते हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छा रहा। और इनके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो है हमारे पास ये हेयर सीरम जो कि काफ़ी अच्छा है, अभी मैं लगाई हूँ इसे और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस पर 25% ऑफ चल रहा है। सो अगर आपको पसंद है, 849 का है ये और इस पर 25% ऑफ चल रहा है, इट्स वेरी गुड। सो आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बिकॉज बिना हेयर सीरम के तो बाल ऐसे हो जाते कि पूछो मत। सो आई वुड रिकमेंड दिस एंड इनके पास ही ये मिल जाएगा। और ये भी हमारे पास है एक फेस पैक जो इन्होंने कस्टमाइज करके दिया है आपकी स्किन के नीड के हिसाब से। इसमें सारे रेडी टू यूज प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल। इसमें मुल्तानी मिट्टी है और क्या है बताइए, वाइट चंदन, हल्दी और भी हमारे कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो हम बता नहीं सकते। हाँ, बट आप यूज करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल मुझे मिला है और आप भी इसे खरीदिए और अपने स्किन में वो चेंज को फील कीजिए। अंकिता का नेचर इतना अच्छा है, आज मस्त है यार। मतलब एक घंटे वो आई पे यहाँ पे पार्लर पर, पता ही नहीं चला वो कब आई। इतने हमने इतना जॉली नेचर है बातें करते करते और बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतना सेकंड विजिट है। हाँ। ऐसे लग रहा है जैसे हम रोज ही मिलते रहते हैं। बिल्कुल, अब तो मिलते ही रहेंगे क्यों। इसके चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छी, बहुत ही जेन्युइन लड़की है। आप इसके दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा, इतना मोटिवेशनल है, बहुत अच्छी है। थैंक यू आप भी बोलो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू एंड डू विजिट टच एंड ग्लो ब्यूटी पार्लर। That is all for this video guys, do subscribe to my channel and do visit their parlor if you like it. Thank you.